नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। क्या इस प्रदर्शन का असर दीक्षांत समारोह पर पड़ेगा? 10 को दीक्षांत समारोह मानस भवन में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कर्मचारी और कुलपति आमने सामने। दीक्षांत समारोह 10 को कर्मचारी संगठन कर रहा है लगातार प्रदर्शन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पर बना राजनीतिक का अखाड़ा और कर्मचारी लगातार 5 दिन से कर रहे हैं कुलपति के गेट पर प्रशासन समस्या का नहीं हुआ समाधान। कर्मचारी जगत हुआ नाराज। विकलांग और ब्लाइंड लोगों की नियुक्ति का मामला अब राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बना। आखिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं इनको नियुक्तियां? कर्मचारियों का आरोप, कुलपति एसके जैन नहीं चाहते हैं कर्मचारी का हित। विकलांग लोगों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार पता चला है कि 103 पद यहां पर खाली पड़े हैं और इसके बावजूद कुलपति की तानाशाही रवैये के चलते ब्लाइंड और विकलांग व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान कर रहे कर्मचारी संगठन इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के महासचिव धीरेंद्र जाट ने बताया है कि कर्मचारी हमेशा ईमानदारी से काम करता रहता है, लेकिन अधिकारियों की वजह से वह अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा। कुलपति यहां पर अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? संगठन के धीरेंद्र जाट ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पिछले 2 वर्षों से कोई भी समस्या का निराकरण कार्य परिषद के माध्यम से नहीं किया है। 57 कर्मचारियों का एरियर्स भुगतान, 23 अनुकंपा नियुक्ति लंबित और ग्रेच्युटी शासन के आदेश अनुसार 3,500 व समय वेतनमान और पदनाम परिवर्तन आदि। प्रदर्शन में उपस्थित थे संगठन के अध्यक्ष हरिंद्र सिंह, अध्यक्ष महासचिव धीरेंद्र जाट, उपाध्यक्ष रामजीत यादव, संयुक्त सचिव कमलेश दीक्षित, सत्यभान सिंह सेंगर, कोषाध्यक्ष मनोहर सोनी, कार्यकारिणी सदस्य राजेश साहू, राजेश लोहाट, लक्ष्मी नारायण शर्मा, दिनेश तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, नारायण सिंह परमार, दिनेश परमार, जसवंत सिंह दांगी, रफिक खान, कार्यकारी समिति महिला, चंद्रकला कहार आदि। आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारी मांगों के संबंध में कुलगुरु जी हमसे कोई बात करना चाहते नहीं है। उन वो अकड़ के बैठे हुए हैं कि वो कह रहे कर्मचारी मरता है तो मर जाए, मैं अपना काम करूंगा। तो हमारे कुल सचिव जी आते हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की नहीं सुन रहे हैं। दीक्षांत समारोह के लिए हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह जो हो रहा है हमारा गरिमापूर्ण है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय उसमें कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कर्मचारी कहीं ना कहीं तकलीफ में है, दुखी में है। आज देख सकते हैं हमारे साथ बेटियां बैठी हुई हैं, माताजी बैठी हुई हैं, जो 2-2 साल से किस तरीके से अपने घर पाल रही हैं, कोई बर्तन माज के काम चला रही, कोई किसी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, समयमान वेतनमान नहीं कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। स्थायी कर्मी को जो रेगुलर करना है, 103 पोस्ट हमारे पास रखी हुई है, लेकिन कुल सचिव द्वारा लिस्ट पे साइन नहीं किया जा रहा है। शायद कुल सचिव द्वारा साइन कर दिया गया है लिस्ट पे, उसके बाद भी सुनने को तैयार है। सर, क्या प्रॉब्लम मांगी आपने? हमारी मांगे जो है आप बता देते हैं कि हमारी पहली मांग है स्थायी कर्मी को नियमित करना, अनुकंपा नियुक्ति हमारी जो डिलीजेंट है करीब करीब लगभग 23 से लगभग है उनको नहीं कर रहे हैं, वो है हमारी समयमान वेतनमान है, इंक्रीमेंट है, और उसके बाद भी हम बता दें एक मेडिकल पॉलिसी है जो 2 साल से उनकी कुछ होता तो फटाक से कर दे, लेकिन मेडिकल पॉलिसी के लिए कभी बात नहीं करते। बोलते तुम लोग कर तो लो, तुम लोग कर लो, लेकिन भाई तुम तो दिखा रुचि, वो रुचि भी नहीं दिखा रहे हैं। अभी अभी देखिए हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं वो बोलते हैं हमारे कर्मचारी काम नहीं, कर्मचारी काम नहीं करता तो 72 से यूनिवर्सिटी खुली है, पूरी यूनिवर्सिटी कर्मचारी पूरा लग के काम कर रहा है और आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा है। आज 100 करोड़ भी मिल रहे हैं तो किसकी वजह से मिल रहा है? कर्मचारी एकता दिखा रहा है, कर्मचारी काम कर रहा था तो रुक के वो तो आते हैं चले जाते हैं साइन करके, लेकिन कर्मचारी तो दिन रात काम कर रहा है ना। नहीं, हमारा उद्देश्य कोई दीक्षांत समारोह को रोकने का नहीं था, लेकिन हमने बोला है उनसे कि हम कर्मचारी संघ पूरा का पूरा यही बैठा रहेगा अपने विरोध के लिए, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें आगे तक बढ़ना पड़ेगा। नाम बता दीजिए। मैं धीरेन्द्र सिंह जाट, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का महासचिव। परेशान हो रहे हैं, करीबन 2 साल हो गए मेरे पापा को एक्सपायर हुए। हम हर बार हमारे सारे डॉक्यूमेंट मैंने अगले ही महीने जमा कर दिए थे, सब कुछ हो गया, पर हर महीने एक ही आश्वासन दिया जाता है अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, और कोई भी फाइल के लिए हमें 4-4 महीने भटकना पड़ता है। सब कुल सचिव के पीछे हम किसी भी अधिकारी के पीछे भागते रहते हैं, वो बस इतना ही बोलते हैं कि अब हो जाएगा, और पर लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम अश्विनी है, मेरे पापा का नाम कुंदन लाल जी था। माता जी, आज आप सदस्य में शामिल हुई, क्या समस्या आपकी? सर, मेरी नौकरी नहीं मिल रही, पति हस्बैंड इस बार हुआ है तो कुछ नहीं कर रहे, हम बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हम सब कुछ वो हो रहा है। क्या आपके हस्बैंड बरकतुल्ला में थे? जी हाँ। क्या आश्वासन मिल रहे हैं आवेदन देने के बाद? आवेदन कुछ भी नहीं बोल रहा।
ठीक।